तो शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, धामी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो गई है। कैबिनेट की बैठक पे कई प्रस्ताव पास होंगे। इसके साथ ही जोशीमठ आपदा प्रभावितों पर भी फैसला इसमें लिया जाएगा। पुनर्वास पैकेज पर निर्णय ले सकती है सरकार। इसके साथ ही जमीनों के नए सर्किल रेट पर भी मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि विधानसभा बजट सत्र आहूत करने की का भी प्रस्ताव, और इसके साथ ही उद्योग गृह विभाग के कई मामले इसमें प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि 11 बजे से मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक शुरू हो गई है। हालांकि सूत्रों ने ये बताया है कि कैबिनेट में जोशीमठ भूधसाव प्रभावितों के लिए मुआवजा, मानक जमीनों के नए सर्किल रेट, विधानसभा बजट सत्र आहूत करने और कारागार विभाग की नियमावली, हाउस टेस्ट को सर्किल रेट से जोड़ने की नियमावली और जिला विकास प्राधिकरणों का दायरा बढ़ाने के साथ ही राजस्व, उद्योग, गृह विभाग के कई मामले प्रस्तावित हैं, जिस पर चर्चा अब चल रही है क्योंकि बैठक शुरू हो गई है और कई ऐसे अहम विषय जिसको लेकर चर्चा की जा रही है, जोशीमठ को लेकर भी चर्चा की जा रही है। अहम फैसला इस दौरान दिया जा सकता है। आपको बता दें कि 11 बजे से ये बैठक शुरू हो गई है। हालांकि जमीनों के नए सर्किल रेट पर इसमें मुहर लग सकती है। इसके साथ ही पुनर्वास पैकेज पर भी इस बैठक में सरकार के द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। जोशीमठ आपदा प्रभावितों पर भी फैसला लिया जा सकता है, बड़ी जानकारी मिल रही है। कैबिनेट की बैठक अब शुरू हो गई है, कई प्रस्ताव इसमें पास होंगे जो जानकारी मिल रही है। हालांकि क्या कुछ अहम निर्णय इस बैठक के दौरान लिया जाता है उसकी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी जहां आपको बता दें कि धामी कैबिनेट की अहम बैठक अब शुरू हो गई है। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। ज्ञानेंद्र, ये अहम बैठक कैबिनेट की जो शुरू हो गई है, क्या कुछ फैसला इसमें लिया जा सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट की जो बैठक है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद हैं। खासतौर पे देखा जाए तो दो महीने बाद यानी कि अप्रैल के महीने से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, और ऐसे में जिस तरीके से चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर कैबिनेट में बैठक हो सकती है और जिस तरीके से शीतकालीन पर्यटन पे जोर दिया जा रहा है, वर्तमान समय में जिस तरीके से जो कई मंदिर हैं चारधाम क्षेत्रों में, कई अन्य जो मंदिर हैं ऐसे उनको खोला गया है कि ताकि शीतकालीन जो पर्यटन है उसे बढ़ावा मिले, और जो विंटर गेम्स होते हैं औली में और आसपास कई क्षेत्रों में वो कहीं ना कहीं उसमें जिस तरीके से काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से उसे बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक उत्तराखंड की तरफ आए, इस बात से भी जिस तरह से क्या कुछ काम हो रहा है इसका जिक्र कैबिनेट में किया जा सकता है। दूसरी तरफ जोशीमठ में जिस तरीके से जो आपदा की स्थिति है और जो रिपोर्ट तैयार की गई है पुनर्वास को लेके, वो मुख्यमंत्री को सौंपी जा सकती है, जिन रिपोर्ट अधिकारियों की तरफ से, और उसमें डिस्कस होने के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि जो पुनर्वास को लेके तीन कैटेगरी बनाई गई है लोगों को, जिसमें कि पक्के मकान बनाने की भी बात है, रकम देने की भी बात है, उनको जिस प्रकार से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, तो ये सारे जो प्रोसीजर है उस समिति की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई है पुनर्वास को लेके, तो उस पे डिस्कस के बाद जो फैसला है वो कैबिनेट कर सकती है, क्योंकि जोशीमठ के लोग भी लगातार इस पे जिस तरीके से सरकार से डिमांड कर रहे थे कि समय रहते इसको पूरा किया जाए, विस्थापन की जो कार्रवाई है इसे पूरा किया जाए, तो इससे एक बड़ा फैसला आ सकता है। दूसरी तरफ संभावनाएं ये भी जताई जा रही है कि जिस तरीके से युवाओं का लगातार जो है प्रदर्शन हम राजधानी देहरादून में देख रहे हैं कि किस प्रकार से भर्तियों को लेके और भर्तियों पे जो कहीं ना कहीं धांधली हुई है उनको लेके हो रहा था, तो सरकार जिस तरीके से नकल विरोधी कानून लेके आई है, विधेयक लेके आई है, तो उस विधेयक को लेके भी जिस तरीके से देखा जाए तो किस प्रकार से ये विधेयक सशक्त होगा, किस प्रकार से काम होगा, तो इसका भी जिक्र इस कैबिनेट की बैठक में रहेगा। इसके अलावा कई विभागों में जो पदे खाली हैं, चाहे वो सहकारिता विभाग की हो या फिर स्वास्थ्य विभाग की हो या फिर अन्य विभागों की हो, उन विभागों में से जो ब्यौरा है मुख्यमंत्री की तरफ से मंत्रियों से मांगी गई है। संभावना है ये भी जताई जा रही है कि कई विभागों में जो पदे हैं वो सरकार निकाल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आक्रोश युवाओं का इन दिनों उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, इससे एक उनको कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है
तो सरकार इस ओर भी एक बड़ा कदम उठाते हुए युवाओं को कुछ कहीं ना कहीं एक सौगात दे सकती है, कहीं ना कहीं भर्तियां निकालते हुए यहाँ नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जमीनों की सर्किल रेट बढ़ाए जाने की जो संभावना है वो यहाँ नजर आ रही है, और इस कैबिनेट में उसके विचार के बाद जो प्रस्ताव है उसको मुहर लगने की उम्मीद यहाँ दिखती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षतिक आरक्षण का मामला, इस तरह के जो प्रस्ताव है उनसे इसमें मुहर लगने की संभावना है। कई विभागों के जो नियमावली है वो भी इसमें लाए जाएंगे, संशोधन नियमावली, जिनको कहीं ना कहीं मंजूरी मिलती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्च में बजट सत्र होना है उत्तराखंड विधानसभा का, तो उस बजट सत्र की तारीखों का जो आहूत है वो हो सकता है। बजट से संबंधित कई सारे ऐसे प्रस्ताव विधेयक जो इस बार बजट में आने वाले हैं वो भी इस कैबिनेट की बैठक में आ सकते हैं, जिनसे विचार विमर्श के बाद प्रस्तावों पर मुहर लगती हुई नजर आ सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कई अहम फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, कई अहम फैसले यहाँ पर लिए जा सकते हैं। बैठक शुरू हो गई है, हालांकि कब तक ये बैठक होगी ये देखना होगा, और इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। आप भी नजर बनाए रखिएगा। ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा